नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। चुनाव का परिणाम भले ही आ गया हो, लेकिन जिस तरीके से हार जीत हुआ है उसको लेकर हर पार्टी मंथन करने में जुटी है, लेकिन काशी के लोग क्या सोचते हैं, खासकर बनारस में इस तरीके से क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम वोट मिला, क्या मानते हैं? बनारस में इस तरीके से वोट जिस तरीके से मिला है मोदी जी को, कम मिला है और हर पार्टी मंथन करने में जुटी है कि कहाँ से कमी हुई, क्या मानते हैं आप? देखिए, इनका जो है ना सबसे बड़ा चीज़ जो बेरोजगारी था, नौकरी था, इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि उन्हें वोट का उनको इतना कम वोट मिला जो है यहाँ से, नहीं तो ज़्यादा 4 से 5 लाख वोट से जीते थे। यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उस पर उन्होंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। इस पर अगर ध्यान दिए होते तो फिर मोदी जी बहुत अच्छा मतलब यहाँ से करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा। आप क्या मानते हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से? बेरोजगारी तो एक मुद्दा है ही, जो है बेरोजगारी है। दूसरा मुद्दा जो है महंगाई इतना इसमें जो चरम सीमा पे पहुंच गई है, लोग जो है एक मध्यम जो परिवार है जो है उसे सर्वाइव कर रहा जो है, इसलिए जो है इसका बहुत बड़ा मुद्दा इसमें महंगाई बनता है। क्योंकि देखिए, एक चाहे वो छोटा परिवार हो चाहे बड़ा परिवार हो, महंगाई सबके लिए जो है पतवाना है। तो इसलिए जो है एक मुद्दा ये, महंगाई बहुत ज़्यादा चरम पे थी जो है और लोग इससे जूझ रहे थे, तो ये एक बहुत मुद्दा था इनके जो चुनाव का जो नतीजा आया है, तो यही बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला इसके जो है। लेकिन सारे लोग यही कह रहे हैं कि इतना काम करने के बाद भी मोदी जी को इतना कम वोट मिला। नहीं, काम तो हुआ है, नो डाउट, इसमें काम तो हुआ ही है। रोड बना है जो है, विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, बाकी डेवलपमेंट का काम हुआ है, सिगरा स्टेडियम बना है आपका, काम तो हुआ है नो डाउट इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का जो है इसमें कुछ ध्वस्तीकरण का भी काम हुआ है इस तरह का जो है, तो लोग इससे कुछ नाराज थे। जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर में बहुत से लोग जो है उनका दुकान चली गई जो है, बहुत से लोग उसमें बेरोजगार हो गए जो है, तो इसका एक कुछ लोग वहाँ जो स्थानीय लोग थे उससे नाराज थे जो है। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा इनका भी ये था कि जो है जो नाराज लोग था उनका ये एक परिणाम था कि नाराजगी उनकी जाहिर हुई इससे, नाराजगी जाहिर। क्या मानते हैं भाई साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से पार्टियां मंथन करने में अभी तक जुटी हुई हैं? देखिए, ये मोदी जी का चुनावी क्षेत्र है और यहाँ पे सरकार लोग सारे लोग जो है सांसद चुनते हैं, मगर काशी जो है उनको प्रधानमंत्री चुन के लगातार तीसरी बार भेजे, जो एक ऐतिहासिक था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो लोगों की अपेक्षाएं थी उस पर हुआ। लोगों ने काफ़ी अपेक्षाएं की थी, जिसमें एक मुद्दा बेरोजगारी था और गरीबों के साथ बहुत जुल्म हुआ। जुल्म इस तरह से हुआ कि वो जो है अपने मुद्दे से जो है सरकार भटक गई, जो गरीबों की बात केवल करती थी, 5 किलो जो है अनाज दे करके, हर चीज़ महंगा है, क्या चीज़ सस्ता है, कितनी छोटी छोटी कंपनियों को GST लगा करके बंद कर दिया, कितने सारे जो है इसमें एक ही लोगों को फ़ायदा हुआ, जो पूंजीपति थे पूंजीपति हो गए और गरीब और गरीब हो गए। ठीक है, और भी लोग हैं, थोड़ा फ़ोन से ही बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बताइए कि ये जो परिणाम आया है, अभी तक बहुत सारी पार्टियां मंथन करने में जुटी हैं, कहाँ से कमी हो गई? कमी कोई नहीं है, लोगों का मिजाज बदला है, बस बात यही है। कमी क्या है, विकास तो हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था जब से मोदी जी आए हैं। अरे आप शांत रहिए, जब दूसरा कोई हाँ। विकास तो हो ही रहा है। इतना विकास होने के बावजूद भी मोदी जी को इतना वोट कम क्यों मिला? हम के आप ही बहुत सारे काम अच्छे करते हैं, किसी का मन नहीं बनता है भैया ये अच्छा नहीं हो रहा, उनके मुताबिक नहीं हुआ, बस बात इतना ही है। जीते तो है ना, और मिजाज बदलता रहता है, और काम तो बहुत ही हुआ है, नहीं और सरकार में कोई काम ऐसा नहीं हुआ, इतना स्पीड में इतना अच्छा काम नहीं हुआ है। कुछ बेरोजगारी की बातें बोल रहे हैं, ये भी सही है, इनका बात इनका भी सही है, वो भी अब ये जितना अब ये कमियाँ हुई है वो सारा सुधारेंगे। हाँ, नई बीबी को और पुरानी बीबी को डेंटिंग पेंटिंग करके ला देना, यही इनका काम था, और कोई काम हुआ नहीं है। एक्चुअली में जो भी कहें, पुराना जगह था, इसको इन्होंने बना दिया डेंटिंग पेंटिंग करके कुछ नया, और रोड भी इसके पहले, अरे सर इसके पहले बना था, इसके पहले भी बना, ये स्टेडियम नया बना है, आप बताइए सर, ये स्टेडियम नया बना है, आप ये स्टेडियम नया है, आप बताइए, आप यही कराने वाले हैं ना, ये स्टेडियम नया बना है, इसके पहले नहीं था, किसने बनाया था, किसने बनाया था, कैसा था बताइए ना। अब जो भी सरकार आती, क्या रोड नहीं बनाती है,
क्या पुल नहीं बनाती है? हमारे हिसाब से देखिए कहीं ना कहीं जो व्यवसायी वर्ग है, व्यवसायी वर्ग को जो लाभ मिलना चाहिए, ये ऑनलाइन व्यवस्था होने से, तमाम जो है माल खुलने से उन लोगों के रोजगार पे असर पड़ा है। कहीं न कहीं उस चीज़ का जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जो कि व्यवसायी वर्ग ज़्यादातर जो है यहाँ पे ध्वस्तीकरण के वजह से, चौड़ीकरण के वजह से जो पीड़ित थे। इसके साथ साथ जो इन लोगों का सपा कांग्रेसाई का गठबंधन था, कहीं न कहीं वो बहुत ही अच्छा जो है उन लोगों का जो है प्रभाव पड़ा, जो कि उन्होंने संविधान को बदलने का जो रूमर उड़ाया उसका भी फायदा मिला विपक्षियों को। नहीं, उमर नहीं था, ये तो बीजेपी नेता खुद कह रहे थे, मंचों से कह रहे थे कि संविधान को बदला जाएगा, आरक्षण खत्म किया। नहीं नहीं, देखिए वो कहने का तरीका अलग है, लेकिन उसको जो है जो पब्लिक के बीच पेश किया गया, ये विपक्षियों ने जो है बहुत अच्छी तरीके से उसको भुनाया। साथ साथ जो है यहाँ पे जो भाजपा में अंदर जो भाजपा के खुद के कार्यकर्ता, वो देखने में कार्यकर्ता थे लेकिन अंदर अंदर वो जो है उनके कार्यकर्ता रियल में नहीं थे। काम कर रहे थे लोग, हाँ विभीषण का काम कर रहे थे। हर अभी कई ऐसे जो है कई ऐसे बूथों पे जहाँ पे कि भाजपा के 12-15 जो है कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख है तमाम, लेकिन उतना भी वोट उनको नहीं मिला। इससे साबित होता है कि वो लोग कार्यकर्ता नाम के लिए थे, कुछ किए नहीं, ग्राउंड लेवल पे जो है वर्क नहीं हुआ, ये चीजें जो है देखने को मिली। भाई साहब का शेर बता रहे थे, अब डॉक्टर साहब बोलेंगे, आप उनके उनके सुनो, बताइए। नहीं बोलते, जहाँ बोल बताइए थोड़ा सा आपका इस तरीके से आपकी बातें, विकास की मामला चल रहा था क्या? देखिए विकास राजघाट का पुल जो चाहे लाइटिंग हो, लाइटिंग पेंटिंग करके उसको नया बना देना, वही विकास है। रोड तो सारे लोग बनाते हैं, एक पार्क यहाँ पे है, इसका रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा है, नगर निगम के नाक के सामने है, कोई व्यवस्था कोई दुरुस्त नहीं है, किस परिस्थिति से? भाजपा वालों की सबसे बड़ी बुराई है कि उनको चुनाव जीतने की कला नहीं आती, वो ट्रिक नहीं आया, वो टैक्ट नहीं आया, इसलिए हार गए। देखिए जिस तरीके से बहुत सारी बातें बात बताए हैं लोग, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।